जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट चावल हैं, ये बॉयल चावल हैं मेरे पास पहले से काफ़ी रात के रखे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बच गए थे रात को, तो फिर मैंने कहा इसको यूटिलाइज कैसे करें, तो वो फिर हम मुझे याद आया कि मेरी एक नानी दादियों की ज़माने की एक रेसिपी है जो बड़ा मज़ा आता है। आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इसका कि कैसे आपको कैसा लगे अगर आप बनाएं। तो ये मेरे पास 2 प्लेट्स के करीब जो है ना मेरे पास बॉयल्ड चावल हैं, जो इसको मैंने इस तरह जो अब रात के बने होते हैं वो अक्सर जुड़ जाते हैं, तो मैंने इसको खोल लिया है। ठीक है जी, इसको बनाने का तरीका ये है कि इसमें चावल लिए हैं मैंने, उसके बाद 2 हरी मिर्चें हैं मेरे करीब पास बारीक बारीक मैंने काटनी है। अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है। 3 टेबल स्पून के पास मेरे पास देसी घी है और 2 टेबल स्पून के पास मेरे पास सूखा धनिया साबुत है। ठीक है, इसके बाद अब चावलों की तरफ आते हैं, यही इनके इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें अब थोड़ा सा मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास 1 टेबल स्पून है। इसको मैं इसमें डाल के हल्का सा नमक डालूंगी, नमक तो पहले भी डाला हुआ है, थोड़ा सा और मजीद डालेंगे हम इसमें नमक। और ये मैंने डाल दिया इसमें 1 टेबल स्पून के करीब चावलों में लाल मिर्च। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मिक्स करके तो मैं आपको अगला प्रोसीजर बताती हूँ इसको बनाने कैसे हैं। तो चावल हो चुके हैं हमारे अच्छी तरह से मिक्स, इसमें नमक और लाल मिर्च डाली है मैंने 1 टेबल स्पून के करीब, मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है और 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाला है जी। ठीक है, अब अगले प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। इसके साथ करना क्या है, हमने तो पैन लिया है हमने जिसमें चावल बनाने हैं, उसमें डालना है हमने घी। घी जैसे ही मेल्ट होता है तो इसमें डालेंगे हम हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और सूखा धनिया साबुत, और ये बहुत ही मज़े के हैं, एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा जी। हो गया गर्म हो गया हमारा घी, अब इसमें जाएगा सूखा धनिया और हरी मिर्च, इसको हम अच्छे से जो है ना वो कुरकुरा कर लेंगे, ब्राउन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। ये देखें जी, ये 1 मिनट हुआ है और ये जैसे ही कलर चेंज करेगा सूखा धनिया और हरी मिर्च, हम इसमें डाल देंगे चावल और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको लगा देंगे दम। आप अगर आपको सूखा धनिया पसंद है या हरी मिर्चें ज़्यादा लेना चाहें तो आप इस मज़ीद ले सकते हैं जी। देखिए तो ये अपना कलर चेंज कर चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें डाल देंगे हम चावल साथ ही जी। चले गए सारे चावल जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, चावल डल गए हैं इसके अंदर, और इसको अच्छे से मिक्स करके आप नमक और मिर्च चेक कर लें, अगर मज़ीद आपको चाहिए तो आप इसमें लाल मिर्च और ऐड कर सकते हैं या हरी मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और मैं इसको दम पे लगाने लगी हूँ 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करके। ये हम अब उसके ऊपर डाल रहे हैं थोड़ा सा गार्निश के लिए धनिया, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करके अब दम लगाने लगी हूँ और फिर आपको दम के बाद फाइनल लुक दिखाते हैं इसकी जी। तो ये हमारे दम वाले चावल तैयार हैं और मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और उसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। देखें कितने कलरफुल से लग रहे हैं हमारे चावल, इसको मैं डिश आउट करूंगी और आपको इसको दिखाती हूँ इसके बाद जी। तो आज की रेसिपी हमारी डन है, ये कोई 15 मिनट से भी कम का टाइम लगा है इसको, अगर आपके पास चावल पहले से बने हुए हैं। ठीक है जी, अगर आज की रेसिपी मेरी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी हैं। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।